ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से चमकती किस्मत में। हम वेद पंडित आपका एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में स्वागत करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारियां अच्छी लगती होंगी जो हम आपको वीडियो में बताते हैं उपाय। इन उपायों को अपनाने से आपको आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों हम हर रोज़ भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। दोस्तों हमारे चारों तरफ ही कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो बेहद चमत्कारिक होते हैं, और उनके घर में आने से, उन्हें घर में लगाने से ही माँ लक्ष्मी खुश हो जाती हैं, लेकिन हमें सिर्फ जानकारी नहीं होती। आज हम आपको ऐसे ही 5 पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आसानी से मिल भी जाएंगे, और यदि जिन्हें आप अपने घर में लगा लें तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा, और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ लक्ष्मी मैया आती हैं और आपको आपके कार्यों में सफलता भी मिलेगी और आपकी धन में वृद्धि भी होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इन 5 पेड़ पौधों के बारे में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला पौधा है तुलसी मैया का। यह तुलसी मैया जिस घर में होती हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा आ ही नहीं सकती, और वहाँ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही बनी रहती है। तुलसी मैया विष्णु भगवान को भी बेहद प्रिय होती हैं, तो आप इन्हें ज़रूर लगाएं और हो सके तो हर दिन एक घी का दीपक भी जलाएं। दूसरा पौधा केले का पौधा होता है, ये भी नारायण को यानी नारायण लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। इसे अपने घर में लगाने से और इसकी पूजा करने से आपको ना सिर्फ लक्ष्मी नारायण बल्कि बृहस्पति भगवान की भी कृपा मिल जाती है। इस पे भी अगर हो सके तो आप रोज़ एक देसी घी का दीपक जलाएं। ये सब पेड़ पौधे आपको तरक्की करवाते हैं। तीसरा पेड़ जो है, पौधा जो है, उसे क्रसुला कहते हैं, शायद आपने इसका नाम सुना भी होगा। इसे इंग्लिश में मनी गेनर यानी कि तरक्की देने वाला या फिर धन में वृद्धि करने वाला पौधा भी कहा जाता है। यह भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चौथा पौधा मनी प्लांट, जैसे कि नाम से ही पता चलता है जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ पे हमेशा तरक्की ही होती है, और यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को भी ख़त्म कर देता है। और यदि यह पौधा अच्छी तरीके से आपके घर में फल फूल रहा है, इसका मतलब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा ही होने वाला है, इसे ज़रूर लगाएँ। और 5वां पौधा है बैम्बू प्लांट, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है जिस घर में होता है उस घर में हमेशा अच्छा ही वातावरण रहता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए बैम्बू प्लांट को हमेशा सही दिशा में लगाना ज़रूरी है, वरना आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसकी सही दिशा होती है पूर्वी दिशा या फिर दक्षिणी पूर्वी दिशा। आप इसे इस दिशा में लगाएँ और आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों इन 5 पौधों को लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो 2 या 3 या किसी भी एक पेड़ पौधे को लगा लें और उसी की आप अच्छी तरीके से ध्यान करें और उसके जैसे हमने बताया है उपाय करें, आपको आपके काम धंधे में तरक्की मिलेगी। ज़्यादातर घरों में तुलसी और केले का पौधा या फिर मनी प्लांट होता ही है, तो आप ये लगाएं अपने घर में और देखें इससे आपको कैसा फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो सारी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, और जहाँ नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी खुद आके विराजमान हो जाती हैं, तो उस घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती, ना ही लड़ाई झगड़े होते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो, इसमें दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। एक बार ज़रूर ऐसे उपाय करके देखें, आपको इनसे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के धन्यवाद।